Hi guys, welcome back to Learning JavaScript Series. The wait is over. We are back again. हम लोग अब फिर से JavaScript Series continue कर रहे हैं और दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं इस बात को बताने के लिए कि अब जो वीडियोज आने वाले हैं वो JavaScript में और प्रोग्रामिंग में दोनों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने उनको पूरा इनडेप्थ रिकॉर्ड करा है। थोड़ा सा टाइम भी इन वीडियोज को रिकॉर्ड करने में लगा, इससे थोड़ी सी देरी हो गई होगी, बट यकीन मानिए अब जो आपका पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है। क्या होने वाला है? अब हम डिसीजन कंट्रोल पढ़ेंगे। डिसीजन कंट्रोल अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो आपके लिए बहुत इजी है, बट मैं ये सीरीज ये मानते हुए बना रहा हूं कि आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल जीरो और आप पहली बार चीजें पढ़ रहे हैं तो एक बिगनर के लिए डिसीजन कंट्रोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूप वाला पार्ट और जावास्क्रिप्ट में तो आप मानकर चलो एरे फंक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार वीडियोस आपको या चार टॉपिक के वीडियोस आपको अब मिलना स्टार्ट होंगे। शुरुआत अब डिसीजन कंट्रोल से होगी, तो मैं ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि इन वीडियोस को पूरा एंड टू एंड फॉलो करिएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल कोर लेवल पे जाकर डीप डाइव लेकर आपको समझाया है किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट्स काम करते हैं, किस तरह से बाकी चीजें काम करती हैं और जावास्क्रिप्ट में इनका क्या इफेक्ट होता है। तो इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को इनडेप्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक दोस्तों उस पर ग्रिप नहीं बनेगी अगर ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये वीडियो बस आपको यही बताने के लिए था कि अब वीडियोस में किसी तरह का ग्लिच नहीं आएगा, किसी तरह का गैप नहीं आएगा, वीडियोस आते रहेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के वीडियोस होंगे ये, जैसा मैंने कहा कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, एरे फंक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मेक श्योर आप ये वीडियोस को एंड टू एंड देखें और सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका हर मूव, आपका हर कमेंट, आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।